लेकर बिहार तक बीजेपी को बड़ा झटका। 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में 1 पर भी जीत नहीं मिली। यूपी में योगी आदित्यनाथ को करारी चोट। गोरखपुर में 29 साल बाद बीजेपी की जबरदस्त हार। गोरखपुर सीट से जीते समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद की 21,000 से ज्यादा वोटों से हारे बीजेपी के उपेंद्र शुक्ल। निश्चित तौर पर उम्मीद थी कि यही नतीजे आएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, माननीय बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती जी के आशीर्वाद के द्वारा ये निश्चित तौर पर ये उम्मीद थी कि जो गोरखपुर के आंकड़े हैं, जो जनता का समर्थन मिलेगा। समाजवादी पार्टी की जीत के बाद गोरखपुर में मनी होली दिवाली। एसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मनाया जश्न। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की साख को भी बट्टा। समाजवादी पार्टी के खाते में गई फूलपुर सीट। नागेंद्र पटेल की जीत। आदरणीय अखिलेश यादव जी की है ये, बहन मायावती जी का आशीर्वाद है और आदरणीय अखिलेश यादव जी की जीत है और फासिस्टवादी ताकतों को लड़ने के लिए। गोरखपुर और फूलपुर में जीत के बाद मायावती से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। बीएसपी सुप्रीमो के घर पर हुई मुलाकात। यूपी उपचुनाव में जीत से गदगद है अखिलेश। बीजेपी पर निशाना साधा। गोरखपुर और फूलपुर में बीजेपी ने मानी हार। सीएम योगी बोले अति आत्मविश्वास से नुकसान हुआ, हार की समीक्षा करेंगे। की बजाय अति आत्मविश्वास में रहने की बजाय हम लोग इन सब दोनों चुनाव एक सबक हैं और इसकी समीक्षा आवश्यक है। उपचुनाव नतीजों के बाद सीएम योगी ने अखिलेश और मायावती पर निशाना साधा। गठबंधन को सौदेबाजी का। अलग थी बसपा, अलग थी कांग्रेस, अलग थी सभी लोग, अलग अलग थे, लेकिन चुनाव के बीच में सपा बसपा का राज्यसभा चुनाव की दृष्टि से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना। नतीजों के बाद राहुल ने जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी। कहा यह साफ है कि बीजेपी से परेशान हो गई है जनता। दोनों लोकसभा सीटों पर जीत से 7वें आसमान पर समाजवादी पार्टी। पूरे राज्य में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। दोनों सीटों पर हार से सकते में बीजेपी। लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर सन्नाटा पसरा। गोरखपुर और फूलपुर में जीत से समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले। पीएम के संसदीय क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं का जश्न। 2019 के गठबंधन को लेकर अखिलेश ने नहीं खोले पत्ते। कहा जश्न मनाने का दिन है। बहुत समय है उसमें, आज तो केवल जो 2 परिणाम आए हैं उनकी खुशी मनाने का दिन है। फूलपुर और गोरखपुर में जीत के बाद एसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं में होड़। मेरठ में जमकर चले लात घूंसे, वीडियो वायरल। बिहार के उपचुनावों में भी सत्तारूढ़ गठबंधन को झटका। अररिया लोकसभा सीट पर जीते आरजेडी के सरफराज आलम। जहानाबाद विधानसभा सीट पर भी आरजेडी उम्मीदवार की जीत। जेडीयू के अभिराम शर्मा को 35,000 से अधिक वोटों से हराया। भभुआ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को दी छोटी राहत। पार्टी उम्मीदवार रिंकी पांडे की जीत। अररिया और जहानाबाद में जीत से आरजेडी गदगद। पूरे राज्य में जश्न में डूबे पार्टी कार्यकर्ता। मामूली जीत नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं कि इस जीत ने देश की दिशा को दिखाने का काम किया। अररिया और जहानाबाद में जीत के बाद लालू ने बीजेपी पर निशाना साधा। ट्वीट में लिखा ये असत्य पर सत्य की जीत। बिहार उपचुनाव नतीजों के बाद बैकफुट पर बीजेपी। कहा आरजेडी के पास गई उनकी सीट। या आप कहेंगे कि थोड़ा सहानुभूति की बात वहां चल गई, ऐसा माना जा सकता है। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका खारिज। सिर्फ मुख्य पक्षकारों की अर्जी पर सुनवाई। राम मंदिर विवाद मुकदमे से बाहर हुआ शिया वक्फ बोर्ड। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका भी खारिज। द नेचुरल प्रोसेस इन अ सिविल सूट, बिकॉज़ सिविल सूट विल नेवर कम टू एन इफ इंटरवेंशन इज अलाउड। दिस इज आल्सो अ सिविल सूट अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, देयरफॉर इंटरवेंशन एप्लीकेशन इज राइटली रिजेक्टेड।
कोर्ट ने खारिज की 32 याचिकाएं सुननी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान की बात सुनेगी अदालत। लगातार 8वें दिन ठप रही संसद की कार्यवाही, बैंकिंग घोटाले और आंध्र को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर विपक्ष का बवाल। हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के लोकसभा में पास हुआ 2018-19 का बजट, विपक्ष ने उठाए सवाल। तंत्र को पूरी तरह से गला घोटकर एक ही शोर शराबे में जिस तरीके से आज पारित हुआ, ये हमारे प्रजातंत्र पर आज कलंक लग चुका है। सभा में जोरदार बवाल, बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने एक दूसरे पर बेल्ट से हमला किया। सदन में आसाराम पर चर्चा के दौरान हंगामा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर लगाया माइक से हमले का आरोप। उसको बैकअप देने के लिए जब मैं खड़ा हुआ तब जगदीश भाई पंसाल नाम का व्यक्ति गाली गलौज करना शुरू किया। गाली गलौज मेरे तक तो ठीक थी, लेकिन मेरी माँ बहन तक गाली बोलने का उसने प्रयास किया और मैंने माइक उखाड़ा। हंगामे के बाद कांग्रेस के दो विधायक 3 साल के लिए सस्पेंड, एक विधायक 1 साल के लिए निलंबित। उसने हमारे बीजेपी के एमएलए श्री जगदीश पंचाल को ये माइक जो स्टील का है उसका वार किया। कल बीएसपी के संस्थापक कांशीराम का जन्मदिन, चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। गृह जिले हरदोई में नरेश अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया पार्टी ऑफिस का शुद्धिकरण। दिल्ली में सीलिंग को लेकर जारी है कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, अमर कॉलोनी में कपड़ा व्यापारियों ने निकाली शव यात्रा। आज से नए सफर पर दिल्ली मेट्रो, दिल्ली के सीएम की मौजूदगी में शहरी विकास मंत्री ने पिंक लाइन को दिखाई हरी झंडी। पिंक लाइन शुरू होने से जुड़े साउथ और नॉर्थ कैंपस, करीब 35 मिनट में पूरा होगा नॉर्थ से साउथ कैंपस का सफर। मेट्रो उद्घाटन के मौके पर केजरीवाल ने उठाया किराया बढ़ोतरी का मुद्दा, केंद्रीय मंत्री ने कहा स्टूडेंट्स और बुजुर्गों को छूट पर हो रहा है विचार। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में मिलिंद एकबोटे की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने दबोचा। मिलिंद एकबोटे की गिरफ्तारी को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस और एनसीपी ने देरी को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे। बीएसपी नेता लालजी वर्मा के बेटे ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की, काफी समय से बीमार थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला, 7 वाहनों को किया आग के हवाले। यूपी के शाहजहांपुर में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की हत्या, 24 घंटे में 2 मर्डर से शहर में हड़कंप। राजस्थान के बीकानेर में शादियों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, वीडियो वायरल होने के बाद 6 गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में हाईटेक कोक के कातिलों का भंडाफोड़, भ्रूण जांच के लिए कार में ही लगा रखा था अल्ट्रासाउंड मशीन। पंजाब के तरन तारण में सरहद पार से नशीली दवाओं का तस्कर गिरफ्तार, करीब 4 करोड़ की हेरोइन जब्त। बिहार के आरा में खनन कार्यालय पर दबंग बालू माफियाओं की फायरिंग, 1 की मौत 2 घायल। कोलकाता के एक स्कूल ने कुछ छात्रों पर लगाया समलैंगिक होने का आरोप, अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। पंजाब के अबोहर में आशा वर्करों ने सरकारी अस्पताल के कर्मचारी को झाड़ू से पीटा, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे शख्स के लापता होने से हड़कंप, पुलिस के रवैये के खिलाफ लोगों का बवाल। बिहार के मोतिहारी में दिल दहलाने वाली वारदात, दवा कारोबारी के बेटे का अपहरण करके हत्या, बोरे में बंद की लाश। रुड़की में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, देसी तमंचों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में सामने आई सरकारी हेल्थ सेंटर की बदहाली, नसबंदी के बाद महिलाओं को फर्श पर लिटाया। हरियाणा के भिवानी में लड़की को बहला फुसलाकर रेप और हत्या का मामला, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, मंदिर जा रहे बाइक सवार 5 लोगों को ट्रक ने कुचला। सीवान में बीडीओ राजीव सिन्हा की पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल, बिहार बीडीओ संघ ने कल से हड़ताल पर जाने का फैसला किया, जेडीयू के स्थानीय नेता सैफी पर पीटने का आरोप।
2017 में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा वाला राज्य बना यूपी, मोदी सरकार ने संसद में जानकारी दी। अरब सागर में तूफान की आशंका, केरल के तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी। C-17 ग्लोब मास्टर ने चीन सरहद पर भरी ऐतिहासिक उड़ान, अरुणाचल के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में उतरा वायुसेना का सबसे बड़ा विमान। टीवीएस मोटर ने उतारी अपाचे की नई मॉडल, करीब 82,000 रुपए है कीमत। मिनिमम बैलेंस बरकरार न रखने पर एसबीआई ने बंद किए 41 लाख बचत खाते, आरटीआई में खुलासा हुआ। एलओयू पर बैन को उद्योग जगत ने बताया गलत फैसला, कहा शॉर्ट टर्म में छोटे कारोबारियों को होंगी ज्यादा मुश्किलें। 2018-19 में देश की विकास दर 7.3% रहने का वर्ल्ड बैंक ने लगाया अनुमान, 2019-20 के लिए 7.5% दर का अनुमान। म्यूचुअल फंड्स में छोटे शहरों के निवेशकों का रुझान बढ़ा, फरवरी में 4,36,000 करोड़ का निवेश। फरवरी में ऑनलाइन हायरिंग में 16% का इजाफा, बीएफएसआई और इंश्योरेंस सेक्टर में तेजी, आईटी सेक्टर रहा कमजोर। फंसे प्रोजेक्ट्स को पूरा कराने के लिए दूसरे डेवलपर्स के साथ समझौते की होगी पहल, दिल्ली एनसीआर में उतरने के साथ पीरामल हाउसिंग फाइनेंस का ऐलान। 21 अंकों की गिरावट के साथ 33,835 पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी, 15 अंक गंवाकर 10,410 पर बंद। 65 रुपए बढ़कर 31,515 रुपए प्रति तोला हुआ सोना चांदी, 60 रुपए बढ़कर 39,560 रुपए प्रति किलो। कानपुर में खुला रेड चीफ ग्रुप के नए ब्रांड फ्यूरो स्पोर्ट्स का देश में पहला शोरूम, कई दूसरे शहरों में भी जल्दी दस्तक देगी कंपनी। तिरपन के हुए आमिर खान, बॉलीवुड स्टार को शुभकामनाएं देने के लिए सुबह से घर के बाहर फैंस जमा हुए। जोधपुर में ठंग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग कर रहे थे आमिर खान, परिवार के साथ जन्मदिन मनाने पहुंचे मुंबई। अब पूरी तरह ठीक है अमिताभ बच्चन, ब्लॉग के जरिए अपने फैंस को जानकारी दी। ट्राई सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश के सामने रखा 177 का लक्ष्य, रोहित शर्मा ने जड़ा तूफानी अर्धशतक। रोहित शर्मा ने 61 गेंदों पर बनाए 89 रन, अपनी पारी में 5 छक्के और 5 चौके लगाए। सुरेश रैना 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे, शिखर धवन ने खेली 35 रनों की पारी। रोहित ने पहले शिखर धवन संग की 70 रनों की साझेदारी, दूसरे विकेट के लिए रैना के साथ मिलकर 101 रन जोड़े। बांग्लादेश की ओर से रूबेल हुसैन को 2 कामयाबी, धवन और रैना का शिकार किया। नहीं रहे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के करीब अपने घर में ली अंतिम सांस। 76 साल के थे ब्रिटेन के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, मोटिक न्यूरॉन नाम का की बीमारी से पीड़ित थे। 21 साल की उम्र में खतरनाक बीमारी का शिकार हुए थे हॉकिंग, दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत ब्रह्मांड के कई गूढ़ विषयों पर किया रिसर्च। एक हाथ की कुछ उंगलियों के अलावा शिथिल था पूरा शरीर, बोलने और लिखने के लिए लेते थे तकनीकी मदद। हॉकिंग ने लिखी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब, आइंस्टाइन के बाद माने जाते हैं दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक। नोबेल को छोड़ दुनिया के तमाम पुरस्कारों से नवाजे गए थे हॉकिंग। महान वैज्ञानिक की जिंदगी पर बनी थी फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। दुनिया भर के नेताओं ने स्टीफन हॉकिंग को दी श्रद्धांजलि, ब्रिटेन की पीएम ने कहा उनके हौसले से दुनिया को मिलती रहेगी प्रेरणा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीफन हॉकिंग के निधन पर जताया दुख, ट्वीट किया उनके रिसर्च ने दुनिया को बेहतर बनाया। जर्मनी की संसद ने एंजेला मर्केल के नाम पर मोहर लगाई, चौथी बार संभालेंगी चांसलर की कुर्सी। उत्तर कोरिया को मुख्यधारा में लाने की तेज हुई कवायद, किम से मुलाकात कर सकते हैं शिंजो आबे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।